गुजरात के पोरबंदर से बीजेपी सांसद विठल रदाड़िया ने अपनी बहू की दोबारा शादी कराई है और कन्यादान में 100 करोड़ की संपत्ति दी है। कुछ महीने पहले विठल रदाड़िया के बेटे कल्पेश की मौत हो गई थी। रदाड़िया ने बहू मनीषा की दोबारा शादी कराने का फैसला किया। रदाड़िया ने अपने बेटे के दोस्त हार्दिक से बहू मनीषा की शादी करा दी और खुद पिता बनकर कन्यादान भी किया। विठल ने अपने बेटे और मनीषा के बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये फैसला किया। हार्दिक को मनीषा के साथ विठल रदाड़िया के साथ ही अब रहना होगा। हमारा पुत्र का किशन का अवसान हुआ था तो हमारे घर पे उसका लग्न करके मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा है और ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरा बेटा का इधर रहेगा और मेरे परिवार में जो खोट हुई है परी है इसमें खोट पूर्णा करने के लिए जो मैंने सराहनीय पगला लिया है और सब लोग ऐसा करें तो उसकी माँ से इसका बच्चा अलग न हो और सब पूरा व्यवस्थित फैमिली बन जाए तो सबको टेंशन दूर होता है। इसलिए मैंने ऐसा पगला भरा, सब लोग ये विचार करके आगे चले तो समाज में जो ऐसा बनाव बनते हैं कोई पर घर पे तो इसका बच्चा इसकी माँ से अलग न हो वो सब साथ मिलकर ये जिंदगी बिताए ऐसा हमने। हम तीन भाई हैं, वो तीन भाई में पांच लड़के हैं, वो पांच लोग जो हिस्सा में जो मिलकर सब मिलकर मैंने उसके हमारी किशन का जो पत्नी मनीषा के नाम और इसका बच्चे के नाम सब हमें मिलकर ट्रांसफर कर दिए हैं।